हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज एक और नई लोकेशन पर आए हम, और वो है जलधारा, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। इधर की साइड में है शिक्षा संकुल, जहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ क्या टिकट प्राइस है इसकी और पड़ता कहाँ पर है, तो ये देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों, ये पड़ता है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, ये सामने JLN मार्ग है, और ये इधर जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट से आता है और इधर अजमेर गेट तक जाता है। VIP रोड है ये जलधारा का एंट्रेंस है, इससे हम अभी एंट्री लेंगे। और ये देखिए, चाट चटनीज एंड जलधारा ओपन है। मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, वो है टिकट काउंटर। और इस पर टिकट, दो तरह की टिकट मिलती है, एक तो वीकडेज में 30-15 रुपये की है, और वीकेंड्स पर है सैटरडे संडे को 30 रुपये की। तो अभी मंडे टू फ्राइडे टिकट मिलती है यहाँ पर 15 रुपये की, और उसके बाद में डबल रेट हो जाती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर इसके, ये पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, अभी हमने एंट्री ले ली है, और ये देखिए बहुत ही मस्त लुक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बरसात हुई, और इसी बारिश की वजह से मैं नीचे आया था यहाँ पर, क्योंकि बरसात के मौसम में और भी हरियाली हो जाती है यहाँ पर। ये देखिए, और आज तो कुछ ज़्यादा ही हरियाली दिख रही है। पहले ही एक बड़ा सा फाउंटेन मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और ये मुझे लग रहा है कि आज ज़्यादा ही तेज चल रहा है बारिश की वजह से। और इस जगह को बोलते हैं क्रिएशन पॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा तालाब है और इसमें ये बड़ा सा फुहारा लग रहा है। देखिए, और इसकी देखिए हाइट कितनी ऊपर तक है, बहुत ही बड़ा है ये ब्रिज बना हुआ है। और इसके दूसरी साइड में भी अभी ये क्या है, रिन्यूड किया हुआ है। पहले ये 2019 में बारिश की वजह से बंद हो गया था, तो अभी वापस से इसको बनाया गया है। यह है क्रिएशन पॉन्ड, और अभी 4 साल बंद होने के बाद में वापस से खोला है इसको। तो दोस्तों, कंप्लीट ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह का इसका मैप होने वाला है आगे। इसमें अभी काम होना बाकी है, लॉक हो रखा है। बाकी इधर भी एक ब्रिज बना हुआ है, कपल्स के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के चिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है, और फालतू में कोई आता भी नहीं, क्योंकि इस जगह का टिकट लगता है। तो छोटा सा कैफे भी बना रखा है, इसमें कुछ टी कॉफी वगैरह और पेटीज वेटीज मिलते हैं। और ये बच्चों के लिए प्ले जोन है छोटा सा, तो इसके अलग से चार्जेस लगते होंगे। और एक और वाटरफॉल है यहाँ पर, एक सबसे ज्यादा फोटोशूट इस जगह के होते हैं। तो ये है वो वाटरफॉल छोटा सा, और ये देख लीजिए ऊपर से आता है, यहाँ पर नहाते भी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, तो उसका बहुत ठंडा पानी आ रहा है बरसात का, और शायद मुझे ये लग रहा है नेचुरल ही है, पीछे से लाया गया कहीं से पानी। मस्त जगह का मजा यही है, और तो सब पूरी भरपाई हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई साहब। और ये देखिए, यहाँ पर फिसलना भी बहुत हो रहा है, और अगर थोड़ा सा भी चुके तो नीचे डायरेक्ट पॉन्ड में जाएंगे। दोस्तों, वाटरफॉल में घूमने के बाद में अब आगे चलते हैं। मन तो नहाने का कर रहा था, लेकिन कपड़े वगैरह नहीं लाए, भीग जाते तो फुट ब्रिज। अभी हम इधर से चलेंगे और दूसरी साइड से वापस आएंगे, और ऊपर जो ही JLN मार्ग है यहाँ पर, अभी काफी टाइम बाद में खुला है, करीब 4 साल के बाद में। पहले इसको बंद कर दिया गया था, कुछ बरसात की इस वजह से कुछ इश्यू आ गए थे, तो अभी इसको अच्छे से बनाया गया, और
इधर भी सीढ़ियां बनाई हुई हैं। अरे वाह, ये इधर गेट है लेकिन गेट को तो बंद कर रखा है, और इधर फोटो शूट के लिए एक बढ़िया जगह बना दी है। बरसात के बहुत मस्त मौसम हो गया अभी, इस पे टूरिस्टों की भी भरमार लगी हुई है। ये देखिए, ये फोटो शूट के लिए बना रखे हैं छोटी छोटी जगह जगह बैठने के लिए। क्योंकि हरियाली बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो इसी को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। इस जगह पर नेचुरल वाटर के लिए शायद मुझे लग रहा है कोई सिस्टम नहीं है, इस वजह से जगह जगह मोटर लगा रखी है जिससे कि पानी को रिवर्स कर सके। तो आगे जाके जगह जगह पाइपलाइन लगा रखी है जिससे कि पानी की यहाँ पर सब जगह आपूर्ति हो जाए, और पानी की वजह से यह जगह थोड़ी अच्छी लग रही है। तो ये पानी की पूर्ति के लिए जगह जगह यहाँ पर इस तरह से मोटर के और पाइप लगा रखे हैं, और ये सामने बच्चों के लिए स्लाइड बना रखी है जिससे कि बच्चे आए तो यहाँ पर खेल कूद सके मिट्टी में। और जैसा एक फाउंटेन पीछे था स्टार्टिंग पॉइंट पे, सेम वैसा ही एक और फाउंटेन बड़ा सा यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस जगह इसका एंड हो जाता है, अभी हमको वापस रिवर्स जाना पड़ेगा क्योंकि इसका हो गया एंड, और मैंने आपको पूरा जलधारा विजिट करवा दिया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग बता देना, अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक कर सकते हो। तो इसमें दो रास्ते बना रखे हैं इस पॉइंट के दोनों साइड में, आते टाइम हम उस रास्ते से आए थे और वापस इस रास्ते से जाके और एंड पॉइंट हो जाएगा वही जहाँ से एंट्री ली थी, उधर से ही एग्जिट होता है। तो यहाँ पर एक शूटिंग गेम लग रहा है, देखिए। क्या चार्जेस ले रखे हैं? 50 रुपए? 50 रुपए क्या करना होता है इसमें? दोनों के या फिर एक के? आंटी जी के। आंटी जी के और अंकल जी के? तो एक अंकल जी का तो टूटा हुआ पहले से ही। अभी एक यहाँ पर ये देखिए स्टैचू बना रखा है, और इसको अभी बंद कर रखा है, बाकी इसमें से पानी निकलता है, ऊपर मोटर चलती है जब इसके हाथ से। तो अभी होता है एंड वीडियो का, क्योंकि पूरा घूम लिया हमने और वापस किसी और दिन किसी नई लोकेशन पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।